हेलो दोस्त, एलपी आरआरबी एलपी सीबीटी 2 क्लासेस और पार्ट बी इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। और जहाँ भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लगता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वायरमैन वगैरह सभी में ये अप्लीकेबल है। साथ साथ ये बिहार बिजली विभाग, जिसको BSPHCL बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में ITI इलेक्ट्रिशियन के लिए पोस्ट है, उसमें ये कंप्यूटर फंडामेंटल कंप्यूटर में पढ़ना है आपको नंबर सिस्टम। तो उसके लिए नंबर सिस्टम का वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर ओनली ITI के व्यू से। डिप्लोमा डिग्री में और थोड़ा सा डीप में होता है, लेकिन हम केवल ओवरव्यू पढ़ेंगे और थोड़ी इसकी कन्वर्सन जानेंगे कि कैसे इसको कन्वर्ट करना होता है। तो उस टॉपिक पे ये हमारा वीडियो है, तो बने रहिए इस वीडियो में। रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइफ एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। तो नंबर सिस्टम में अगर हम सबसे पहले जाते हैं, तो एक नंबर होता है, दो टाइप से हम नंबर को डिवाइड करते हैं। पहला डिजिट होता है जो 1 0 1 से लेके 9 तक जाता है, जिसे डिजिट बोला जाता है। और दूसरा डिजिटल होता है, जिसको 0 और 1, यानी इसको कह सकते हैं बाइनरी भी, लेकिन 0 1 के डिजिट के टर्म में ये चलता है, जिसे डिजिटल का हमारा पढ़ना है। और पूरी सिलेबस हमारा इसी पे है। लेकिन डिजिटल में भी, डिजिटल सिस्टम में जब जाएंगे तो सिस्टम हमारा न्यूमेरिक हो जाएगा, 0 1 2 3 वगैरह सारे आ जाएंगे। 0 1 तो आपका है ही है डिजिटल में। उसके बाद अल्फाबेट हो जाएगा, ए से लेके एफ तक, हेक्साडेसिमल तक ही हम बात करेंगे, बाकी की बात नहीं करते हैं। और अल्फा न्यूमेरिक हो जाएगा 3A F, इस टाइप के कोड के बारे में हमें पढ़ना होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले शुरुआत होती है बीट से। बीट किसे बोलते हैं? एक संख्या को बीट बोलते हैं। जैसे 0 हमने लिख दिया तो 1 बीट हो गया, 0 1 लिख दिए तो 2 बीट हो गया, 0 1 1 0 1 इस टाइप से अगर लिखेंगे तो 4 बीट हो जाता है। और 4 बीट की संख्या को क्या बोलते हैं? निबल बोलते हैं। तो निबल के लिए ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार प्रश्न आता है 4 बीट। उसके बाद इसी 4 बीट को अगर दो बार, एक बार और लिख दें किसी भी संख्या के लिए, तो ये हो जाता 8 बीट। और 8 बीट की संख्या को बोलते हैं 1 बाइट। तो 8 बीट की संख्या को बोलते हैं 1 बाइट। तो इस तरह से हमारा सीक्वेंस है, तीनों से एक एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, इसलिए मैंने इससे शुरुआत कर दिया। उसके बाद हमारे पास आता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम बहुत तीनों चीज़ों की हमने, तो यहाँ पे हम सबसे पहले डेसिमल की बात करेंगे। तो डेसिमल की बिंदु आपको पता ही है, डेसिमल हम 10 अंकों की बोलते हैं, और इसका बेस आपका 10 होता है डेसिमल का। और इसकी सिंबल आप जानते ही हैं, 0 1 से लेके 9 तक, इसी का कॉम्बिनेशन में हो सकता है। तो कई लोगों का सवाल आता है 91 क्या डेसिमल नहीं है? है दोस्त, लेकिन ये 1 और 9 के मिलके कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से किसी भी संख्या आएगा, और इसकी सिंबल लिखना चाहेंगे, एग्जाम्पल में लिखना चाहेंगे तो 12 2 25, कुछ भी ऐसा डिजिट रहेगा वो आपका डेसिमल नंबर है एग्जाम्पल में। उसके बाद अगर बाइनरी की बात करेंगे, तो बाइनरी में होता है इसका रेडिक्स 2, यानी बेस इसके 2 होते हैं। और इसके लिए कोई भी संख्या आप जब डिनोट करेंगे तो इसका सिंबल केवल 0 1 1 होगा, 0 एंड 1, ये 2 डिजिट है। और इसके एग्जाम्पल में लिखना चाहेंगे तो 1 1 0 1 2 1 1 0 0, इस टाइप से केवल 1 और 0 का कॉम्बिनेशन रहेगा, उस संख्या को हम बाइनरी बोलते हैं। उसके बाद ऑप्टिकल, ऑक्टल बोलते हैं, ऑप्टिकल नहीं ऑक्टल। ऑक्टल मीन्स 8 होता है, और इसका बेसिक रेडिक्स भी 8 है। और इसके लिए भी संख्या हम नोट करते हैं, 0 से लेके 7 तक। तो कई लोग कहते हैं ऑक्टल है तो 8 कहाँ हुआ? तो 8 के लिए आपको 0 भी इंक्लूड है, इसलिए 0 से 7 तक ही होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी कई बार प्रश्न बन जाता है। और इसको अगर सिंबॉलिक के टर्म में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 3 2 1। और कई बार पूछ दिया गया 3 2 9 क्या ऑक्टल नंबर है? तो 9 यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करता, अगर 9 लिखना है तो उसके डिजिट में यहाँ 8 लिखना पड़ेगा, तभी वैलिड है
ये भी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो डिजिट में आपको वैलिड नहीं है। उसके बाद हेक्सा डेसिमल है, इनका हेक्सा मतलब 16 से रिलेटेड है और डेसिमल भी है, तो इसलिए 16 होता है। और ये अल्फान्यूमेरिक कोड होता है जिसमें एक 0 से लेके 9 तक डेसिमल वाले सारे अंक होंगे, 0 से 9 तक। उसके बाद ए बी सी डी ई एफ तक, तो सबकी एक एक वैल्यू है, ए बी सी डी की भी 10 11 12 ऐसा। तो इसको आपको हेक्सा डेसिमल है और इसकी संख्या लिखते हैं 3A 2F, इस टाइप से करके कॉम्बिनेशन में बनता है। उसके बाद हम बात करेंगे बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन। अगर हम सबसे पहले अगर आपसे बता दिया जाए एक संख्या 25 दिया हुआ है डेसिमल में, ध्यान दीजिएगा डेसिमल में 25 आपको दिया हुआ है और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो क्या करना है, सिंपल सी लॉजिक है, कई बार प्रश्न आ चुका है। तो 25 को आपको 2 से, क्योंकि बाइनरी का कोड 2 होता है, तो आपको 2 से इसे भाग देना है। तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पहले आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, लेकिन रिमाइंडर कितने बचेगा, उस रिमाइंडर ही मेन इसका महत्वपूर्ण फंक्शन होता है। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा और रिमाइंडर यहाँ 12 के टर्म में 0 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर फिर 6 को करेंगे तो यहाँ नीचे 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ भी रिमाइंडर क्या होगा आपका, 0 होगा। फिर इसे 2 से एक बार और करेंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा और रिमाइंडर भी आपका 1 रहेगा, ध्यान दीजिएगा, एक रिमाइंडर भी बचता है और एक ये भी बचेगा। अभी आपके पास संख्या आ गया है, इसे बोलते हैं हम बाइनरी नंबर, लेकिन बाइनरी नंबर ऊपर से स्टार्ट नहीं होके आपको नीचे से लिखना है, 1 1, ध्यान दीजिएगा, 0, उसके बाद 0 और इसके बाद लास्ट वाला टर्म 1। तो जो सबसे नीचे होगा वो सबसे ऊपर हो जाता है इस डिसिमल में, यही ध्यान दीजिएगा, और कई बार गलती होता है। और तो इसको कह सकते हैं बाइनरी कितना हो गया, 1 1 0 0 1, इसको लिख देंगे 2 में, और ये 2 बेस हो गया आपका बाइनरी में। लेकिन अगर कह दिया जाए बाइनरी नंबर दिया हुआ है इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी नंबर हम इसी को उठा लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे बाइनरी नंबर कितना है, 1 1 0 0 1, और इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए देखिए बेसिक इसका 2 है, तो जितने भी 1 है 0 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए 0 वाला टर्म छोड़ भी सकते हैं या दिखा भी सकते हैं। तो 1 वाला टर्म देखिए, 1 अगर करते हैं 1 × 2 के पावर कितना, देखिए 1 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 जोड़, फिर कितने अगले अंक, ये अंक का हमारा काम हो गया, दूसरे अंक कितना है 1 × 2 के पावर कितना, 3। अगले में अगर आप 0 के लेना चाहते हैं तब भी ले सकते हैं, लेकिन इसका वैलिड आपका 0 ही आएगा, तो इसलिए आप डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं 2 अंक के लिए। और तीसरा 1 बच रहा है, तो 1 × 2 के पावर कितना आएगा, ऊपर में देख लीजिए 1 के बाद क्या है 0, और 2 के पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ 2 के पावर अगर 4 है, इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आएगा, 16, फिर जोड़ का निशान, 2 के पावर 3 है, यहाँ देख सकते हैं 2 के पावर आपके पास 3 है, तो 3 का कितना होता है 8, और 0 2 है तो 0 का तो कोई वैल्यू आने नहीं आना है, और आपके पास लास्ट वाला टर्म 1 है, तो 16 8 24 और 1 25, जहाँ से हमने 25 शुरुआत किया था डेसिमल से वहीं फिर शुरुआत हम पहुँच गए। तो इस तरह से देख सकते हैं कि आपका बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्सन सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद आपके पास बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी के लिए ही टर्म होता है, तो इसमें संख्या आपको अगर बदल दिया जाए, 30 कर दिया जाए, 35 कर दिया जाए, 40 कर दिया, कुछ भी संख्या कर दिया जाए, तो आपको वही सेम करना है, डेसिमल से अगर करना है तो 30 के लिए कोटेशन के टर्म में जाना है और रिमाइंडर आप लिखते जाएंगे और जो लास्ट आएगा वहां से शुरुआत करके यहाँ को कर लेंगे। और उसी तरह अगर आपको बाइनरी से किए बाइनरी नंबर दिया हुआ है 1 1 1, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 1 × 2 के पावर कितने, 2 प्लस 1 × 2 के पावर कितने, 1 प्लस 1 × 2 के पावर 0, तो इस तरह से कर लेंगे। तो इसे देख सकते हैं यहाँ पे आपका 4
दो प्लस एक नंबर आ जाएगा सात। तो इस तरह से आपको यूज करना है, जिस भी संख्या मिल जाए उसको कर लेना है। उसके बाद अगला हमारा था डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल। तो ऑक्टल में हमें पता ही है ऑक्टल में कितने नंबर हमारे होते हैं, आठ का बेसिक होता है, और ये डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए उसी तरह से फॉर्मूला अपनाएंगे, लेकिन यहाँ टू का बेस आठ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक संख्या अगर ले लेते हैं 27 आपके पास डेसिमल में है और इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, ध्यान दीजिएगा डेसिमल से आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास है 27 संख्या को हमने लिख लिया, जैसे लिखा था अपना डिजिटल में लिखा था मैंने, बस सेम आपको लिखना है डेसिमल वाले ही टर्म में। तो यहाँ पे भी 27 लिख लेंगे, लेकिन यहाँ हम दो से पहले भाग दे रहे थे, यहाँ पे किससे देंगे, आठ से। तो आठ तीय 24 होता है, तीन बार में आता है, तो 24 के बाद हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे तीन आएगा, और यहाँ अगर 24 लिख भी दिया जाए, लिखना नहीं होता, हमें तीन लिखना होता है। तो ये संख्या सात में से चार गया, तीन है, और यहाँ भी तीन है। तो सबसे पहले हमें नीचे वाला पार्ट लिखना है थ्री, उसके बाद ऊपर वाला पार्ट लिखना है थ्री, और इसकी ब्रैकेट में देना है आठ, यानी 27 डेसिमल, आपका 27 डेसिमल है और 33 उसके इक्विवेलेंट टू ऑक्टल है। लेकिन ऑक्टल से अगर बाइनरी में ऑक्टल से डेसिमल में पहले कर लेते हैं, ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हम 33 को क्या लिखेंगे, थ्री इंटू, यहाँ हम क्या लिख रहे थे, दो, दो के पावर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आठ के पावर कितना, वन। उसके बाद जोड़ में फिर क्या देंगे, क्या है संख्या, थ्री इंटू एट के पावर जीरो। तो देख सकते हैं यहाँ के आठ तिया क्या होगा, 24, और आठ के पावर जीरो वन, और वन को थ्री से गुना करेंगे तो थ्री। तो देख सकते हैं हमारे पास 27 आ चुका है, किसमें, डिजिटल में, जो हमारे पहले थे वही हम फिर आ चुके हैं। लेकिन अगर इसे बोल दिया जाए कि आपको इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, या तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए या तो आउट ऑक्टल से आप डेसिमल में चले जाइए, तो डेसिमल से भी आप बाइनरी में फिर चले जाएंगे, या ऑक्टल को संख्या जैसे 33 दिया हुआ है, इनकी एक एक की ग्रुप बनानी है और इसको तीन डिजिट में बदलना है। तो थ्री के लिए थ्री तीन डिजिट में आप बदलेंगे तो देख सकते हैं 011 बाइनरी होता है। देखिए इसके पावर दो के पावर, दो के पावर एक दो, और दो के पावर जीरो दो एक, यानी दो और एक तीन, दो और एक करेंगे तो तीन हो जाएगा, उसी तरह यहाँ भी 011 करेंगे तो ये भी तीन हो जाएगा, यानी ऑक्टल में तीन संख्या का ग्रुप होता है। इसी तरह बीसीडी अगर कहीं आ जाए तो उसमें चार होता है, लेकिन उसकी हम बात अगले वीडियो में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास था डेसिमल टू ऑक्टल वाला हमारा कन्वर्सन है, यहाँ प्रैक्टिस के लिए है। अगर आपको 45 डिजिटल दिया हुआ है तो इसका ऑक्टल क्या होगा आपको बताना है, कमेंट बॉक्स नीचे है इसको बता लीजिएगा। और दूसरा आपका है 11111 दिया हुआ है आपका बाइनरी में, तो इसके इक्विवेलेंट ऑक्टल क्या होगा ये कन्वर्ट करके आप कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर था, इसमें हेक्साडेसिमल नंबर में 9 तक डिजिट का तो ज़्यादा चेंज नहीं होता, जैसे बाइनरी में अगर इसको रिप्रेजेंट करता जाते हैं 0 का 0 0, चार डिजिट में आपको बदलना पड़ेगा, और 9 के लिए अगर करते हैं तो 9 के लिए आपका संख्या हो जाएगा बाइनरी में ही, सिंपल सी इसको लिखना पड़ेगा 9 के लिए, तो 9 हम लिख देंगे, लेकिन यहाँ भी आपका 0 0 से लेके 9 तक सेम होगा। लेकिन 10 के लिए क्या लिखेंगे, तो 10 के लिए हेक्साडेसिमल में आपको ए लिखना है, 11 के लिए आपको बी लिखना है, 12 के लिए सी लिखना है, 13 के लिए डी लिखना है, 14 के लिए ई लिखना है, और 15 के लिए एफ लिखना है, जो मैक्सिमम वैल्यू एफ है। तो कई बार लिख दिया जाता है हेक्साडेसिमल में एफ है तो आपका डेसिमल में इसका वैल्यू क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा 15। इस तरह से आईटीआई में प्रश्न आया करते हैं, तो इसकी आपको बेसिक नॉलेज रहेगी तभी आप लिख पाएंगे, नहीं तो ढूंढते रहिए जाइएगा। लेकिन कई बार इसी को कहता है कि अगर एफ 15 है इसको बाइनरी में लिखना है, तो बाइनरी में आपको लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इस नंबर को, क्योंकि 16 15 मैक्सिमम डिजिट बन सकता है चार के कॉम्बिनेशन से। ध्यान दीजिए बाइनरी में क्या होता है, टू के पावर कई
कितना है मैक्सिमम यहाँ पे, तो 2 के पावर अगर करते हैं, 2 के पावर मैक्सिमम 3 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 1 और 2 के पावर 0, क्योंकि मैक्सिमम संख्या 4 ही है, तो 3 2 1 होगा। और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे आप तो यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 8, यानी मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। और इसी संख्या को हम इसे लिख दें 15 में, तो 1111 मैक्सिमम संख्या ये हो सकता है बाइनरी में 4 डिजिट के लिए, वही आपका हेक्साडेसिमल का रिप्रेजेंटेशन है। अगर 14 में करना चाहेंगे तो लास्ट वाला अंक कम हो जाएगा, तो मैं एक बार इसको कर देता हूँ 1110, ये 14 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपको 10 का करना है किसी भी संख्या का, तो 10 के लिए सबसे पहले देखिए 1 हो गया, 8, 8 के बाद 0 और एक संख्या और देंगे तो 2 और फिर 0, ये हो गया 10 का। तो ये आपको याद होनी चाहिए कि इस टाइप से टॉपिक है, वैसे कर लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी संख्या को हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको दे दिया जाए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है 3a और इसका बेस है 16, इसके इक्विवेलेंट डेसिमल आपको बताना है डेसिमल, तो कैसे करेंगे? फिर हमारा वही फॉर्मूला रहेगा डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारा सबसे पहले क्या है, 3 इंटू क्या बेस यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पे 2 यूज किए थे डेसिमल में, देख सकते हैं आप एकदम बिल्कुल से 2 हमने यूज किया था किसमें, बाइनरी में, और 10 यूज किए थे, 8 ऑक्टल में किए थे, और 10 के लिए तो हमें 2 ही करना होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा पे क्या है 16, तो 16 के पावर कितना, एक बार है तो ओनली 1 प्लस क्या लिखेंगे ए, लेकिन ए इक्विवेलेंट टू कितना था 10, ध्यान दीजिएगा यही गड़बड़ होती है, इंटू 16 के पावर 0, तो ध्यान दीजिएगा 16 48 और यहाँ पे प्लस में 16 के पावर 0 1 और गुना 10 बराबर 10 और ये संख्या हो जाएगा 58 डेसिमल। तो देखिए इस टाइप के टॉपिक को आपको कन्वर्सन बिल्कुल कंप्लीट आनी चाहिए। और अगर इसी संख्या को किसी ने आपको कह दिया कि इसको आगे कन्वर्ट करना है, डेसिमल में करना है, हेक्साडेसिमल में करना है, बाइनरी में करना है, तो सिमिलरली आप बाइनरी में भी इसे 58 को कर सकते हैं। कैसे, 58 को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से उसी फॉर्मूले से यहाँ रिमाइंडर लिखते जाइए, उसी तरह से नीचे से ला देंगे तो फिर से ये आपको कन्वर्ट होके बाइनरी में मिल जाएगा। और बाइनरी मिल गया तो बाइनरी से फिर आप जा सकते हैं हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में भी जा सकते हैं। तो बहुत ईजी है, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। इसके बाद अगर बोल दिया जाए कि एक संख्या दिया हुआ है हमारा डेसिमल में और इसे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो कैसे करेंगे? 95 को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सेम फॉर्मूला जो हम पहले किए थे 95, मैं अगले पेज में ले लेता हूँ। हम 95 को क्या करना है, यहाँ पे आप यहाँ पे 95 के लिए हमें कन्वर्ट करना होगा, तो उसी तरह से हम इसको 16 से रिमाइंड करेंगे। 16 से अगर रिमाइंड करते हैं तो सबसे पहले पास आपका कॉन्टेंट 5 आएगा और रिमाइंडर हो जाएगा 15, और इसे लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे 5f, 15 के इक्विवेलेंट क्या है f है, और 5 तो आपका डिजिटल 9 तक वैलिड है हेक्साडेसिमल में, तो ये 5f हो जाएगा आपके किस में 16 बेसिक में, और 95 था आपका 10 के बेस में। तो इस तरह से कन्वर्सन आपको कंप्लीट रखना है। इसके बाद अब टॉपिक बच गया है वंस कॉम्प्लीमेंट टूल्स कॉम्प्लीमेंट बाइनरी एडिशन एंड सब्स्ट्रैक्शन, उसके बाद कुछ टॉपिक बच गए हैं कोड का। तो कोड में अगर बात करेंगे तो आपके पास आता है बीसीडी कोड, सबसे पहले आता है बीसीडी कोड जो 4 डिजिट का होता है, उसके बाद एक्सेस थ्री कोड यहाँ पे आता है, उसके बाद और 2-3 कोड आते हैं। ऑक्टल के लिए हमने 3 का कोड बता ही दिया आपको, ऑक्टल कोड आता है, और इसी तरह ग्रे कोड भी आता है। तो ग्रे कोड मोमेंटम के लिए, किसी मोटर के मूवमेंट वगैरह के लिए यूज करते हैं, रोटेशनल के लिए। तो इस टाइप के कोड हैं जिसको अगले वीडियो में बताते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।